18 मई की शाम को जालौन कोतवाली के भवानी राम मोहल्ले में अज्ञात लोगों ने पूर्व सभासद रामेंद्र सिंह उर्फ रामू गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले में पुलिस ने टीम बनाई थी जिससे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी यश प्रताप सिंह उर्फ ओमजी को ग्राम जगानेवा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और बाइक भी बरामद की है। हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र शाक्य ने बताया कि रामू ने पिछले साल ओमजी के चाचा की हत्या की थी, उसी का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं, 18 मई को कोतवाली जालौन क्षेत्र के भवानी पुरम मोहल्ले में घर के सामने बैठे रामू गुर्जर की हत्या उसको गिरफ्तार कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही मौके पर डीआई साहब, हमारे एसपी साहब, हम सभी लोग पहुंचे और पूरा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पूरी घटना की जानकारी करने के पश्चात वादी द्वारा घटना पंजीकृत कराया गया। उसमें से एक मुख्य नाम के अभियुक्त ओमजी उर्फ यश प्रताप सिंह की आज गिरफ्तारी की गई है। इसके कब्जे से जो अग्नियास्त्र है बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया हुआ था वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। थाना जालौन के अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में घटना का मोटिव स्पष्ट है। पूर्व में जो एक हत्या हुई थी उसी के परिप्रेक्ष्य में जो बदला लेने के लिए से हत्या की है और घटना में जो और लोग शामिल हैं उनकी ही शीघ्र गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीम हमारी मदद कर देगी।